Parental development in human the first trimester. First the contents embryo, fetus, and newborn. Trimesters, the first trimester, implantation of embryo, gastrulation, and organogenesis and growth during first trimester. So first, what is embryo? Students so terms hey, embryo, fetus, and the newborn. ह्यूमन में जैसे ही फर्टिलाइजेशन एग की हो जाती है और सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, जाएगी तो इट इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो तो राइट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल एट्थ वीक आठवें वीक तक का जो प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लास्टुलेशन हो रही है गैस्ट्रोलेशन हो रही है एम्ब्रोनिक लेयर्स बन रही हैं इस सारे प्रोसेस के दौरान हम इसको एम्ब्रियो कहेंगे उसके बाद वनस नाइन्थ वीक स्टार्ट जब नाइन्थ वीक स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का तो फिर उसमें क्या होता है कि यंग वन बन चुका होता है और यंग वन जो होता है वो ऐसा के नहीं उसके ऑर्गन जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं तो यंग वन के जब यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अब वो एक यंग वन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इस स्टेज के ऊपर हम इसको फीटस कहते हैं और इसके बाद नाइन्थ वीक से लेकर यानी फीटस बनने से लेकर बर्थ होने तक का जो टाइम है वो सारे, -सारे ये के सारे फीटस कहलाएगा और लास्ट के ऊपर जब बर्थ हो जाएगी तो फिर अब हाँ हम इसको इसको फिटस नहीं कहेंगे बल्कि इट इज अ न्यू बॉर्न ये न्यू बॉर्न कहेंगे बेबी कहेंगे यंग वन कहेंगे इसको इस तरह से ह्यूमन की डेवलपमेंट के तीन जो है वो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक फेज एम्ब्रियो फेज फिटस स्टेज एंड द बॉर्न बार, आर यंग वन स्टेज जो है वो इफ वी डिस्कस द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम ओवरऑल देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टोटल टाइम स्पेन है दैट इज़ टू एटी डेज टू एटी डेज इज़ इक्वल टू फोर्टी वीक्स तो इसलिए फोर्टी वीक्स या टू एटी डेज जो है इट इज़ द टोटल गेस्टेशन पीरियड ऑफ द ह्यूमन कि इतने दिन तक ह्यूमन जो है वो अपनी मदर के या यूट्रस के अंदर स्टे करता है उसकी जो है वो डिवेलपमेंट और ग्रोथ होती है अब ये टोटल जो पीरियड है इट्स अप्रॉक्सीमेटली नाइन मंथ्स तो नाइन मंथ्स को अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट थ्री मंथ मिडिल थ्री मंथ्स एंड द लास्ट थ्री मंथ्स जो पहले तीन माह है दे आर कॉल्ड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड थ्री कॉल्ड द सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट थ्री आर कॉल्ड द थर्ड ट्राइमेस्टर तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो तो जब भी हम डेवलपमेंट स्टडी करते हैं तो हम पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या, क्या हो रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रहा है इस तरह से इसको स्टडी करेंगे तो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट फ्राम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग जैसे ही फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोड बन गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और ये चलता जाएगा आगे चलता जाएगा यहाँ तक के थ्री मंथ्स जब वो कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो क्या रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जो एम्ब्रियो है या जाइगोड जो जा है इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड ये फ्लैपिंग ट्यूब के अंदर या ओवीडक्ट के अंदर नीचे आ रहा है यूट्रस की तरफ तो इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है यहाँ तक कि जब ये यूट्रस में पहुँचता तो इट इज़ ब्लास्टोडर्म स्टेज इसकी जब ब्लास्टोला स्टेज होती है इसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं अब जैसे ही ये यूट्रस में पहुंचेगा तो ब्लास्टोडर्म के कुछ सेल्स हैं जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं ट्रोफोब्ब्लास्ट क्या करेंगे यूट्रस की वाल के साथ इसको इम्प्लांट कर देंगे और ये ट्रोफोब्लास्ट से वो सेल्स हैं जिन्होंने आगे जाकर जो है वो इसमें बाकायदा जो है वो प्लेसेंटा बनाना है तो इससे इम्प्लान्टशन हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट सेल विल इम्प्रेगनेट दे विल इन्वेट द यूट्रस वाल यूट्रसवाल को इन्वेट करेंगे उसके साथ उसकी जो है वो अटैचमेंट कर देंगे अब ये जो इनिंग स्टेज है तो इस स्टेज के आने के बाद ये साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस कंसिडर कंप्लीट होते चले जा रहे हैं ब्लास्ट्रोडम स्टेज है गैस्ट्रोलेशन स्टेज है वो चलती चली जा रही है तो जो इम्प्लान्टशन का जो काम है ये बेसिकली कब होगा जिट इज ड्यूरिंग द ब्लास्ट्रोलेशन स्टेज है जिसमें सेल तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है तक पहुँच जाते हैं गैस्ट्रोलेशन स्टेज अब जब इम्प्लान हो चुकी है अब साथ ही जो गैसोलेशन स्टेज भी साथ साथ कंटिन्यू है गैसोलेशन के दौरान वी आल नो दैट गैसोलेशन के दौरान एम्ब्रियनिक लेयर्स बनती हैं जर्म लेयर्स बनती हैं गैसोलेशन के दौरान एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड द म्यूजोडर्म फॉर्मेशन होगी तो गैसोलेशन प्रोसेस जो है वो तब होगा जब एम्ब्रियो ऑलरेडी इम्प्लांट कर चुका होगा जब वो अटैच हो चुका होगा यूट्रस में उसके अंदर गैसोलेशन स्टेज है वो गैसोलेशन सेम वही है जिस तरह से बर्ड्स के अंदर है या रेप्टाइल्स के अंदर है ये इसके अंदर बाकायदा एपीब्लास से सेल माइग्रेट करके नीचे आते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है सेल्स माइग्रेट करके नीचे आएंगे एंडोडर्म मिजोडरम बनेगी जो ऊपर आ जाएंगे वो एक्टोडर्म बना देंगे वर्स गैसुलेशन इज कम्प्लीटेड जब गैसुलेशन बन चुकी है गैसुलेशन का मतलब यह है एक्टोडर्म एंडोडर्म और मिजोरम बन चुकी हैं अब इन जर्म से आगे फर्दर ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएंगे एक्टोडर्म जो है इससे आगे नर्वस सिस्टम और स्किन डेवलपमेंट होगी यानी कि जो है एपीडोरम जो है वो डिपमेंट होगी तो एपिडर्मस और नर्वस सिस्टम जो है इसकी डिवेलपमेंट जो है वो एक्टोडर्म से होगी एंडोडर्म से आमतौर पर जो है वो हमारे पास जो सेल्स बनते, है, बनते हैं दे दी गट सेल्स डाइजेस्टिव ट्रैक के कुछ सेल जो बनते हैं या थोड़ा सा पोर्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक का बनता है जबकि बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं बोन्स हैं विजरल ऑर्गन्स हैं मसल्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें दे आर फॉर्म फ्रॉम द मिज़ोडर्म तो ये सारी की सारी जो है वो मिजोडर्म से बनती है ये जो ऑर्गेनोजेंसिस का प्रोसेस है ये आम तौर पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही शुरू हो चुका होता है यहाँ तक कि जब हम मिडल ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि ट्राइमेस्टर पहला ट्राइमेस्टर तीन महीनों का है जब एक डेढ़ माह के कारसा गुजर जाता है तो सारे के सारे एम्परी आमतौर पर जो है वो ऑर्गन जो है बनना शुरू हो जाते हैं और इस स्टेज के बाद हम जब सारे ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं तो वी से इट इज़ द फिटेस्ट नाव तो इस तरह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते ही ऑलमोस्ट सारे सारे बॉडी ऑर्गन जो है उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है